वृंदा जी नमस्कार। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। रंजना जी बताइए किस विषय को लेकर के आप हमें कुछ बताना चाहेगी। मैं आपको अपने विद्यालय अपने ब्लॉग के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम रंजना अग्रवाल है। मैं कंपोजिट उच्च प्राथमिक शाहपुर डांडी विकास खंड बहेड़ी जिला बरेली में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे विकास खंड बहेड़ी अपने आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के तहत चुना। इस समय हम एक सरकारी विद्यालय के ऑडिटोरियम से अपने शिक्षक साथियों और बच्चों के साथ आपको सुन पा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सर ये ऑडिटोरियम जो आप देख सकते हैं हमारा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ही बना है। चलिए बहुत बधाई इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छा नंदना जी, आपके ब्लॉक में जो चिंतन शिविर आयोजित किए गए उनमें कौन सा ऐसा आइडिया था जो आपको सबसे ज्यादा रोचक और प्रभावी लगा? माननीय मंत्री जी, जो चिंतन शिविर आयोजित किए गए उनमें से जो आइडिया मुझे सबसे ज्यादा रोचक और प्रभावी लगा वह था विकास खंड के सर्वांगीण विकास का। किसी भी ब्लॉक के संपूर्ण विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस समाज के सभी स्टेक होल्डर्स आवश्यक रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर आएं और आपस समन्वय स्थापित करें। मेरा ये मानना है कि यदि सभी समाज के घटक एक साथ समावेशी रूप से समन्वय स्थापित करेंगे तो हम अपनी सरकारी योजनाओं को दिन जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। नहीं, आप अपने स्कूल के साथ मिलकर ऐसे कौन से बदलाव लाने का प्रयास करने की योजना बना रही है जिससे आपके स्कूल का लर्निंग आउटकम बेहतर हो सके? माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बेहतर बनाने के लिए मैं परंपरागत शिक्षा को छोड़कर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दूंगी। खेल खेल में बच्चों को सिखाऊंगी क्योंकि खेल खेल में सीखते बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ता है और क्लास में उपस्थिति भी। इसके साथ साथ मैं बाल सभा प्रार्थना सभा में नई नई गतिविधियां जैसे म्यूजिकल पीटी, योग, छोटी छोटी कहानियां, शैक्षिक भ्रमण आदि के द्वारा बच्चों को सिखाऊंगी। इसके साथ साथ मैं स्मार्ट क्लास का प्रयोग भी करूंगी कि मेरा ये मानना है कि आधुनिकता के इस युग में यदि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे तो वह पिछड़ जाएंगे। इसलिए और विजुअल बेस्ड लर्निंग से प्राप्त ज्ञान बच्चों में अधिक स्थायी रहता है। सर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, मेरे जिले में लगभग 2500 से अधिक सरकारी विद्यालय हैं और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सभी विद्यालयों में 100% स्मार्ट क्लास उपलब्ध हैं। नहीं, मान लीजिए कि कोई स्मार्ट क्लास नहीं है क्योंकि यहाँ देश भर के लोग आपको सुन रहे हैं, कोई एक मुझे प्रैक्टिकली बताइए कि जहाँ स्मार्ट क्लास नहीं है और उन बच्चों के साथ ऐसी कौन सी टेक्निक उपयोग कर दे जो वर्णन आपने किया उसमें से एक चीज एग्जैक्टली करके मुझे बताइए। अगर स्मार्ट क्लास नहीं है तो मैं जैसे बच्चों को छोटे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से गिनती पहाड़े और उनको वर्णमाला या अक्षर ज्ञान भी करा सकती हूँ। जैसे मैं उनके लिए प्ले कार्ड बनाऊंगी, उनको प्ले कार्ड के द्वारा दिखाऊंगी और उनको ये जोड़कर भी कहूंगी कि दो प्ले कार्ड उठाएं और उन्हें जोड़ करके एक नया अक्षर बनाएं और वो पढ़ के सुनाएं हमें। इसके साथ साथ सर अंकों के प्ले कार्ड बना के दूंगी जिसमें उनको कहूंगी कि ये दो प्ले कार्ड मैं उठा रही हूँ और बीच में मैं कोई भी साइन जैसे कि प्लस का, माइनस का, गुणा का उनको लगाऊंगी और बताऊंगी इसका उत्तर का जो प्ले कार्ड है वो आप उठाकर यहाँ रखिए। इस तरीके से भी सर मैं उनको सिखा सकती हूँ। ये आपके साथ दो तीन बच्चे बैठे हैं, वो कुछ बता सकते हैं मुझे? बताओगे? अच्छा अपना नाम बता दो। My name is Kamu. क्या नाम? My name is Kamini. कामिनी। अच्छा हिंदी बोल सकती हो? हाँ। अच्छा वो भी टीचर को पूछना पड़ता है? शाबाश। देखिए विकसित भारत की एक प्रमुख शर्त है हमारे देश के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा हो।
जब मैं आप और आप जैसे देश के हजारों शिक्षकों को इसके लिए काम करते देखता हूं और मैंने देखा है कि इतने इन्वॉल्व होते हैं टीचर, जैसे शायद कभी कभी तो लगता है कि वो अपने परिवार में अपने पोते पोते के लिए जितना टाइम नहीं देते हैं उतना कभी कभी स्कूल के बच्चों के लिए देते हैं। ये बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है और वही ताकत है जो परिवर्तन लाती है, संकल्प से सिद्धि का रास्ता इसी समर्पण से जाता है, इसी कमिटमेंट से जाता है और उसी से हमें परिणाम मिलता है। मैं आपके माध्यम से आपको और इन दूर दराज क्षेत्रों में भी कठोर परिश्रम करने वाले, समर्पित भाव से शिक्षा के लिए जीवन जीने वाले सभी शिक्षक साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।